खबरें 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 वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे लेकिन बॉलीवुड स्टाइल में। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज की खास पेशकश बॉलीवुड टॉप 5, जहां हम देखेंगे आज की बॉलीवुड की मनोरंजन से भरी 5 बड़ी खबरें, जहां हम देखेंगे कि सनी देओल की गदर 2 थिएटर्स में छाई हुई है। फिल्म 5 दिनों में ताबड़तोड़ कमाई कर ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। वही गदर 2 के साथ रिलीज हुई OMG 2 भी बॉक्स ऑफिस पर अपने कदम जमाए हुए हैं। धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो वही बुधवार को अक्षय कुमार की आगामी फिल्म वेलकम 3 की रिलीज डेट का भी ऐलान हो चुका है। तो चलिए बॉलीवुड की टॉप 5 मनोरंजक भरी खबरों पर एक नजर डालते हैं फटाफट। स्वतंत्रता दिवस पर सनी देओल की दहाड़ ने हिलाए थिएटर्स, 200 करोड़ क्लब में गदर 2 हुई शामिल। सनी देओल और मनीषा पटेल की फिल्म गदर 2 थिएटर्स में कब्जा जमा चुकी है। फिल्म को 22 साल पहले आई गदर जितना ही प्यार मिल रहा है। रिलीज के महज 5 दिनों में ही गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस हिला कर रख दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर तो फिल्म ने ऐसी कमाई की सीधा 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर डाली। वही गदर 2 कुछ दिनों पहले 11 अगस्त को रिलीज हुई है। फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की और ओपनिंग डे पर 40 करोड़ के साथ खाता खोला। इसके बाद पहले वीकेंड पर ही फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। गदर 2 ने रिलीज के दूसरे दिन आगे बढ़ते हुए 43 करोड़ का नेट बिजनेस किया। वही रविवार को कलेक्शन 50 करोड़ के पार रहा। इसी के साथ ही गदर 2 ने ओपनिंग वीकेंड में 134 करोड़ 58 लाख अपनी झोली में भर लिए। बॉक्स ऑफिस जहां ज्यादातर फिल्म मंडे टेस्ट में खड़ा जाती है, तो वही गदर 2 ने सोमवार के दिन छप्पर फाड़ कमाई कर डाली। वही फिल्म ने सोमवार को कुछ नीचे गिरते हुए 38.70 करोड़ का कलेक्शन किया। तो गदर 2 के अब स्वतंत्रता दिवस के बिजनेस की बात करें तो फिल्म ने ओपनिंग डे से भी ज्यादा कमाई 15 अगस्त को की। OMG 2 के बाद अक्षय कुमार के फैंस के लिए एक और खुशखबरी कंफर्म हुई, वेलकम 3 की रिलीज डेट। पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म वेलकम के तीसरे इंस्टॉलमेंट को लेकर कई दिनों से खबरें आ रही है। फिल्म की फीमेल कास्ट और रिलीज डेट को लेकर कई खबरें सामने आ चुकी है। बहरहाल अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट और टाइटल अनाउंसमेंट को ऑफिशियल कर दिया है। वेलकम 3 का टाइटल वेलकम टू द जंगल है। फिल्म के पहले 2 हिस्सों को अनीस अजमी ने डायरेक्ट किया था। वहीं तीसरे पार्ट को अहमद खान के अंडर में बनाने की चर्चा तेज है। अहमद खान बागी 2 और बागी 3 जैसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं वेलकम 3 के प्रोड्यूसर फिरोज ए नांडियार वाला होंगे। उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म कर दी है, जो कि क्रिसमस 2024 है। वेलकम 3 से पहले फिरोज ए नांडियार वाला ने वेलकम और वेलकम 2 को भी प्रोड्यूस किया था। अब वेलकम बॉलीवुड की पॉपुलर कॉमेडी हिट फ्रेंचाइजी फिल्म है। पहले पार्ट में अक्षय कुमार लीड रोल में थे। तीसरे हिस्से की कहानी भी अक्षय कुमार के साथ ही बनेगी। अक्षय के अलावा फिल्म की मेल कास्ट के लिए संजय दत्त और अर्शद वारसी का नाम भी फाइनल हो चुका है। यानी कि खिलाड़ी कुमार के साथ एक बार फिर मुन्ना भाई और सर्किट की कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा परेश रावल की कॉमेडी भी लोगों को इस फिल्म में हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली है। OMG 2 ने गदर 2 के सामने घुटने टेकने से किया इनकार, 100 करोड़ क्लब की ओर लगाई दौड़। अक्षय कुमार की OMG 2 बॉक्स ऑफिस पर पीछे हटने को राजी ही नहीं है। सनी देओल की गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से मुकाबला होने के बावजूद OMG 2 अपना कलेक्शन बढ़ाती ही जा रही है। अब फिल्म के स्वतंत्रता दिवस का कलेक्शन सामने आया है, जो फिल्म के बिजनेस में बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहा है। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की OMG 2 एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाली फिल्म है। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में OMG 2 को दर्शक तो मिल रहे हैं, लेकिन शायद गदर 2 के मुकाबले भारी पड़ रहा है, क्योंकि OMG 2 ने अपने घुटने टेकने से मना कर दिया है। फिल्म अपने बिजनेस से तेजी से बढ़ाकर 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की होड़ में है। 15 अगस्त को OMG 2 ने छुट्टी का पूरा फायदा उठाया और बिजनेस में उछाल लेकर आई। स्वतंत्रता दिवस पर OMG 2 के बिजनेस की रिपोर्ट अच्छी है। फिल्म ने 15 अगस्त को बिजनेस बढ़ाने की पूरी कोशिश की। OMG 2 ने मंगलवार को देश भर में 17 करोड़ 10 लाख का नेट बिजनेस किया। इसी के साथ ही डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर OMG 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन 72 करोड़ 27 लाख रुपए पहुंच गया है।
नहीं कम हो रहा रजनीकांत की जेलर का जलवा, 6 दिनों में धड़ाधड़ कमाए इतने करोड़। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा पूरे देश में कायम है। उनकी फिल्म की अनाउंसमेंट होने के बाद से ही फैंस में उनके रिलीज का इंतजार बना रहता है। जहां जेलर फिल्म का ट्रेलर देख फैंस ने एक्साइटमेंट जाहिर की थी, तो वहीं एडवांस बुकिंग के मामले में भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई से भी हैरान कर दिया है। फिल्म को रिलीज हुए महज 6 दिन हुए हैं, इतने कम दिनों में थलाइवा रजनीकांत की फिल्म ने जो कमाई हासिल की है वो काबिले तारीफ है। जेलर मूल रूप से तमिल फिल्म है जो कि हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी रिलीज की गई है। फिल्म 10 अगस्त को रिलीज हुई थी। चेन्नई व बेंगलुरु में इस दिन ऑफिसों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। बहरहाल रजनीकांत स्टारर जेलर को लगभग हर भाषा में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने 6 दिनों में ताबड़तोड़ बिजनेस किया है। ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद जेलर की रफ्तार में कमी अब तक नहीं आई है। नहीं रहे गेम ऑफ थ्रोन्स फेम डेरेन केन, 36 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज इंग्लिश सिनेमा जगत की ऐसी पेशकश रही है जिसका हर कोई प्रशंसक है। इस बीच गेम ऑफ थ्रोन्स फेम कलाकार डेरेन केन को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। खबर है कि बीती 11 अगस्त को एक गंभीर बीमारी के चलते केन का निधन हो गया। 36 साल की उम्र में केन का इस तरह से दुनिया को अलविदा कहना फैंस को रास नहीं रहा है। अलमय यह है कि एक्टर के देहांत से हॉलीवुड सिनेमा जगत में शोक की लहर छा गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेरेन केन लंबे समय से ऑस्टियोपोरोसिस, स्किन डिसऑर्डर और ऑर्थोराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। रेयर स्किन डिसऑर्डर होने के कारण केंट को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि इस बीमारी के चलते ही डेरेन केन जिंदगी की जंग को हार बैठे। अपने दमदार अभिनय के चलते डेरेन केन को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। तो आज की मनोरंजन जगत से जुड़ी 5 बड़ी मनोरंजक खबरों में बस इतना ही। रोजाना ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए NBCN न्यूज की खास पेशकश बॉलीवुड टॉप 5 सिर्फ और सिर्फ NBCN न्यूज पर।